पड़ गया। आखिरकार मैं लंदन से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। बहुत टाइम से इस एमएनसी कंपनी में ट्राई कर रहा था, अब जाके लगा। यस, तो क्या हुआ है? तो ये प्राइवेट जॉब कुछ नहीं रखा इन सब जॉबों में, बेकार जॉब है ये। जा रेलवे की तैयारी कर, फार्म भर उनके, लंदन जाएंगे ये जॉब करने साले। हाँ संदीप साहब, 5 लाख कैश और 4 चक्का की गाड़ी, हम तुमसे पहले ही बात कर लिए थे इन सब चीज़ों के लिए। हाँ चलो ठीक है, रखते हैं। राव गुप्ता जी, किससे मांग रहे भाई 5 लाख कैश? पटवारी जी, हमारा लड़का के शादी है, 5 लाख कैश, 4 चक्का की गाड़ी, इतना तो हक बनता है। आखिरकार सरकारी नौकरी है लड़का का। हाँ भाई, हक तो बनता है यार, सरकारी नौकरी लिया है तो इतना तो हक बनता ही है। बिल्कुल है, मांगो। एक इन्हें देखो, ये बैठे रहते हैं ऐसे ही। मतलब यार तुम्हें शर्म नहीं यार बिल्कुल भी? दूसरों से जाके सीखोगे, सरकारी जॉब से 5 लाख कैश 4 चक्का मिला गुप्ता जी के लड़के को, तुम खाली इधर बैठे रहो, सीधा हो गए एकदम। कान में लगा लियो मतलब दुनियादार से, यार तुम्हें तो मतलब ही नहीं है यार, किसी दूसरे से सीखो तो सही भाई। तुम्हें कितनी बार बोले हम रेलवे की तैयारी करने की, भरे हो आज तक फॉर्म? नहीं, साफ बोल दे नहीं। अरे यार कुछ सीखो दूसरों से, प्राइवेट जॉब में रहोगे तो कुछ नहीं होगा भाई, तैयारी कर लो, टाइम लगेगा पर हो जाएगा, इतना गारंटी है भाई। हम नहीं पढ़े, हम चाहते हैं तुम पढ़ो भाई। देखो यार हमारी जो कहते हैं ना, हमारी जो आशाएं हैं तुमसे ही हैं और तुम्हारी आशाएं भी किसी और से होंगी। तो यार सरकारी जॉब है, कर लो तैयारी व्यारी आराम से करो, बैठे रहे तो यार तुम ऐसे मतलब तुम्हें हर बार ही बोले हैं प्राइवेट जॉब में कुछ नहीं रखा, लड़की वड़की भी नहीं मिलेगी तुम्हें। सरकारी जॉब के जानते हो कितने फायदे, आराम से बूढ़े में आराम से खाओगे, बच्चे आराम से खाएंगे, हमारी तरह नहीं है तुम्हें बोलेंगे, बैठे रहते हो ऐसे। अरे भाई क्या हुआ, इतना कैसे परेशान है? अरे क्या बताऊं यार, साक्षी की मैरिज तय हो गई भाई। देख भाई ये तो होना ही था, सरकारी नौकरी जिसकी लौंडी है उसकी सरकारी जॉब। अरे हट, जब हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कोई दिक्कत हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ो, और फिर भी इन्हें सारी चीज़ प्राइवेट चाहिए। पूरी ज़िंदगी हम सरकारी लोगों सरकारी नौकरी को कोसते रहते हैं, कहते हैं ये लोग करप्टेड है, इन्होंने देश बर्बाद करके रखा हुआ है, लेकिन नौकरी फिर भी सबको सरकारी ही चाहिए। बाप चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का, नौकरी सबको सरकारी ही चाहिए। ऐसा क्यों होता भाई, साक्षी के नौ बाप को भी नौ सरकारी जॉब वाला लड़का चाहिए। ये साला बचपन से यार माँ बाप लोग बच्चों को सरकारी बोल बोल के दिमाग में साला इतना चुतियापा भर देते हैं ना भाई, कि दिमाग काम करना बंद कर जाता है, दिमाग साला कॉम्पिटिशन की तरफ जाता है कि साला कैसे सरकारी जॉब निकाले, लाइफ सेट करें और एक अच्छी लड़की शादी करके आगे ज़िंदगी व्यतीत करें। पर साला कोई अपने से पूछता है कि हमें क्या करना है भाई, सरकारी सरकारी भाई इंडिया है भाई, यहाँ पे ऐसे ही होता है।